हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदाशी लर्निंग। सो आज के वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ के फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हमने बात करी थी, जब हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था एक वीडियो में, उसमें हमने मेटल्स नॉन मेटल्स को डिस्कस किया था, तो हम वहाँ पर उसके रंग की बात कर रहे थे, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, जो उनके क्वथनांक होते हैं, गलनांक होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, ठीक है, अवस्था कैसी होती है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब भौतिक गुण होते हैं। पर रासायनिक गुण क्या होते हैं कि पदार्थ के अंदर जो कण हैं, ठीक है, वो किस तरीके के हैं, उनका संगठन कैसा है, वो उनका रासायनिक गुण होता है। तो भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि उसके भौतिक गुणों में जो है परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक गुणों का परिवर्तन यानी आकार में कुछ चेंज हो रहा है, या तो एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में जो है किसी पदार्थ को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना या पानी का जमना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कोई केमिकल लेवल पर कोई चेंज नहीं आ रहा, बस खाली उसका एक भौतिक गुण परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, वो एक अवस्था से पदार्थ दूसरी अवस्था में आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ऐसे ही कांच का टूटना, और आप कह सकते हैं अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब जला रही हूँ, ठीक है, मैंने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, मैं बंद कर दूंगी, वो बुझ जाएगा, ये भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज हो गया। तो ये सारे होते हैं फिजिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, यानी उसके अंदर जो कण उपस्थित हैं उनके संगठन में कुछ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन ऐसा होता है कि हमें एक नया पदार्थ मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक या बर्निंग ऑफ पेपर। एक बार आपने पेपर को जला दिया तो उसमें जो जलने के बाद कुछ नए कंपाउंड्स बन गए, ठीक है, अब आपको वो पेपर वापस नहीं मिल सकता, तो कुछ नए कंपाउंड्स बन गए। खाने का पकना, वो भी एक केमिकल चेंज है। हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रहा है डाइजेशन, ठीक है, खाने का पचना, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। यहाँ हमें वो चीज़ वापस नहीं मिल सकती जिस चीज़ को हमने परिवर्तित किया है। तो ये एक केमिकल चेंज है जहाँ पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है और एक नया पदार्थ हमें मिल रहा है। इनके बीच के डिफरेंसेस को भी समझते हुए चलते हैं। तो फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा, जो हमारा भौतिक परिवर्तन है, पदार्थ के कणों की स्थिति परिवर्तित होती है पर रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पदार्थ की जो कणों की स्थिति है वो परिवर्तित हो रही है। जैसा कि हमने कहा मेल्टिंग ऑफ आइस में हमने देखा कि क्या हो रहा है, आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है। तो यहाँ पर कणों में रासायनिक रूप से कोई बदलाव नहीं आया है, बस ये है कि उनको जिस तरीके से उनका अरेंजमेंट था वो चेंज हुआ है, ठीक है। हमने ठोस और द्रव में अलग अलग डिफरेंसेस पढ़े थे, क्या होता है इसमें इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो जैसे धीरे धीरे वो बढ़ेगा, उनका मूवमेंट तेज़ हो जाएगा कणों का, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी कण में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, बस खाली क्या चेंज हुआ है, उनकी जो आपस में स्थिति थी वो थोड़ी परिवर्तित हुई है। फिर देखिए, यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज, तो रासायनिक संगठन परिवर्तित होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसा कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया, डाइजेशन ऑफ फूड ले सकते हैं, खाने का पचना, ठीक है, कंबर्शन ले सकते हैं, कंबर्शन मतलब जलना, कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें से नए पदार्थ जो हैं वो बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और ऊर्जा वगैरह भी निकलती है उसमें, तो यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो ये कंबर्शन भी किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, उत्क्रमणीय है यानी रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज जो है या भौतिक परिवर्तन, इसे आप उल्टा कर सकते हैं, भाई मैं आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, वाटर को वापस आइस में भी तो ला सकती हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है तो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में भी वापस आ सकती हूँ। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ऐसी बल्ब का जलाना, जैसे मैंने आपको बताया, स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, स्विच ऑफ कर दिया बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। अगर मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो ये अनुत्क्रमणीय है यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर एक बार जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद वापस से हमें वो खाना वापस नहीं मिल सकता, बैक नहीं मिल सकता, ठीक है। कंबर्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बार पेपर जल गया तो वापस से हमें उसमें से पेपर नहीं मिलेगा। तो हम जो जिन पदार्थों से हमने शुरू किया था हम वापस उस पर नहीं जा सकते, ये पलटा नहीं जा सकता। फिर तीसरा देखिए, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर आइस और वाटर की अगर हम बात करें, दोनों के कण तो एक जैसे ही हैं, ये भी H2O है
और ये भी H2O है, जल तो दोनों ही है, बस अवस्थाएं अलग है इनकी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है अस्थाई, ये टेम्परेरी चेंज है, ठीक है। टेम्परेरी हमने सभी चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें जो हैं ये टेम्परेरी हैं क्योंकि हम इन्हें पलट सकते हैं, रिवर्सेबल है ये। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्थाई परिवर्तन है, परमानेंट चेंज है। एक बार जो कन्वर्जन हो गया वो पलटा नहीं जाएगा, वो प्रोडक्ट्स अब बन गए, ठीक है, परमानेंट हो गया ये। फिर कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। अब देखिए इसमें जो है हीट या आप कह लीजिए कूलिंग अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसमें कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो ऊर्जा हम आइस को दे रहे थे वो किस तरीके से काम आ रही थी, उसकी स्टेट को चेंज करने का काम आ रही थी, जिसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ केमिकल चेंज में हम देखेंगे कि यहाँ पर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब खाना हमारी बॉडी में पचता है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को जो ऊर्जा चाहिए होती है वो फूड के डाइजेशन से ही मिलती है, तो ये नई तरह की ऊर्जा जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम उन्हें फिजिकल और केमिकल चेंज किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं और इनमें पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला देखिए पेड़ों को काटना, अब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस आकार बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है, पीसी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। मक्खन का बर्तन में पिघलना, इसमें भी बस अवस्था बदल रही है, ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार लोहे में जंग लग जाए तो रस्ट जो बनता है, रस्ट का या जंग का फॉर्मूला भी अलग होता है, वो एक तरह का नया कंपाउंड है, ठीक है, और हमें वो लोहा वापस मिल भी नहीं सकता, तो इसलिए अलमारी में जंग लगना एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है एक फिजिकल चेंज। फिर जल में साधारण नमक का घुलना, ठीक है, ये एक मिश्रण बन रहा है, और जो आपके मिश्रण बनते हैं वो सभी भौतिक प्रक्रिया द्वारा ही बनते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। फिर लकड़ी और कागज़ का जलना, कंबशन या जलना हमने देख लिया, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब एक ये देखिए मोमबत्ती का जलना, ये आपका बोथ है, बोथ मतलब फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। अब देखिए ये कैसे मोमबत्ती जल रही है, जलना एक केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन हो गया, लेकिन मोमबत्ती पिघलती भी है, तो जो उसका वैक्स है यानी जो मोम है वो ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन जो कंबर्शन हो रहा है या जल रहा है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि जितना मोम उसमें पिघल रहा है कभी हमें उतना ही कैंडल का जो मोम है वापस नहीं मिलता, यानी कुछ जो मोम है वो परिवर्तित हो गया है कुछ नए पदार्थों में। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। अक्सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाली जो कंडीशन है वो भी उससे भी हम नहीं पहचान पाते, जैसे कांच टूट जाए अगर तो आप ये कह दोगे कि या आपने कागज़ को अगर आपने फाड़ दिया कि ये रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केमिकल चेंज है, सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो बेसिक अगर आप पॉइंट अगर ध्यान में रखना चाहते हैं किस बेसिस पे आप कहें कि फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, तो न्यू कंपाउंड कोई फॉर्म हो रहा है या नहीं इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।